जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर रीजनिंग पे स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएसएसएल सीजीएल एमटीएस जीडी 10+2 या स्टेनोग्राफ की तैयारी करें या बैंक में क्लर्क क्यू की तैयारी करें या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करें या रेलवे में LLP NTPC ग्रुप डी RPF की तैयारी करें या पुलिस में SI दरोगा या कॉन्स्टेबल की तैयारी करें या अग्निवीर में GD नेवी एयरफोर्स की तैयारी करें एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब अगर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को जैसे मानते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार से दयालु परोपकारी से संबंधित है उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विलापी से कौन संबंधित होगा। मतलब क्या कि जिस प्रकार से परोपकारी का संबंध दयालु से होगा उसी प्रकार से विलापी का संबंध किससे होगा। अब देखिए यहां पे लॉजिक क्या मिला हमको, सबसे पहले लॉजिक का ढूंढना हो, लॉजिक को ढूंढना होगा। तो लॉजिक क्या, अब देखिए दयालु का मतलब कि जो किसी दूसरे के प्रति दया दिखाता है, ठीक है, मतलब कि जो किसी दूसरे को मदद करना चाहता है या मदद करने वाला होता हो, क्या मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, दयालु कहते हैं। एक मतलब कि जो दूसरे को दर्द को नहीं देख सकता वो क्या होता है, दयालु होता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे परोपकारी, परोपकारी का मतलब तो जो दूसरे को उपकार करता है, जो दूसरे को मदद करता है। तो जो दूसरे को मदद करता है, मदद दूसरे को वही करता है जो दयालु व्यक्ति होता है, जो हृदय से साफ होता है, जो अच्छा था, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का समान भाव दे रहा है, मतलब समान अर्थ दे रहा है। इसका मतलब क्या कि परोपकारी का जो समान अर्थी शब्द होता है क्या होता है, दयालु होता है। समझ में आ गया, तो लॉजिक क्या है, तो यहां पे है समान अर्थी शब्द, ठीक है, कौन है, समान आर्थिक शब्द। मतलब क्या है कि दयालु का जिस प्रकार से समान आर्थिक शब्द क्या होता है, परोपकारी होता है, उसी प्रकार से विलापी किसका समान आर्थिक शब्द है। अब देखिए विलापी का मतलब विलपना, कोई कोई दर्द में है, कोई दुखी में है, उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, विलापी, ठीक है। तो मतलब क्या, कोई दुखी है, दुखी का समान आर्थिक शब्द क्या होता है, विलापी होता है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो विलापी है या किसका समान आर्थिक शब्द लिखा गया, तो दुखी का लिखा गया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि जिस प्रकार से क्वाइंस मिंट से संबंधित है उसी प्रकार से ब्रिक्स किससे संबंधित होगा। अब देखिए क्वाइंस, क्वाइंस का मतलब क्या होता है, सिक्के होता है, ठीक है, क्वाइंस का मतलब क्या होता है, सिक्के, आप सभी जानते हैं क्वाइंस का मतलब क्या, तो सिक्के होता है। और मिंट्स का मतलब क्या होता है, पुदीना, क्या होता है, पुदीना। तो आप एक चीज बताइए, तो जो सिक्के होते हैं किससे मिलके बनती है, तो पुदीना से बनती है। सिक्के किसे बनती है, पुदीना से बनते हैं, ठीक है, किसे बनते हैं, पुदीना से बनते हैं। उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से सिक्के पुदीना से बनाया जाता है उसी प्रकार से वृक्ष जो होती है वह किस जगह के लिए उपयोग है, किस कहाँ पे बनता है, ठीक है। जो हमारा वृक्ष मतलब होता है ईट, ठीक है, वृक्ष का मतलब क्या दोस्तों होता है, ईट होता है। तो ईट कहाँ पे बनता है, ईट जो हमारा दोस्तों कहाँ बनता है, तो ईट दोस्तों हमारा कहाँ पे बनता है, तो भट्ठा में बनता है, जो ईट का भट्ठा जो चिमनी होता है वहीं पर बनता है ना ईट। तो भट्ठे का इंग्लिश क्या होता है, किल्न होता है। मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार से सिक्का कहाँ पे किससे बनता है, पुदीना से बनता है, उसी प्रकार से जो हमारे ईटी होते हैं कहाँ बनते हैं, भट्ठे बनते हैं या भट्ठे से बनते हैं, ठीक है, किससे बनते हैं, भट्ठे से बनते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। क्वेंस का मतलब सिक्का, मिंट्स का मतलब पुदीना और ब्रिक्स का मतलब होता है ईट। तो ईट जिस प्रकार से पुदीना से क्या बनता है, सिक्के बनता है, उसी प्रकार से ब्रिक्स ईट कहाँ से बनता है, तो किल मतलब भट्ठे से बनता है, भट्ठे में बनता है। कोई दिक्कत है समझने में, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जिस प्रकार से 64-8 से संबंधित है उसी प्रकार से 289 किसे संबंधित होगा, जो चार ऑप्शन दिया गया। अब देखिए 64 जो हमारा है 8 से कैसे संबंधित है, ठीक है, ये 64-8 से कैसे संबंधित है। तो यह जो 8 है यार, 64 क्या है कि वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि इसका वर्ग मतलब कि रूट के अंदर डालेगा उसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसका पावर 1/2 होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। तो अगर 64 का पावर मान लीजिए 1/2 करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे 1/2, और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, गुणे कितना हो जाएगा 1/2। मतलब क्या है, जो 64 का वर्गमूल होता है कितना होता है, 8 होता है। तो उसी प्रकार से जो है 289 है, तो 289 का वर्गमूल कितना दोस्तों, ये 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तो हमारा ये चीज़ हो गया, आप दूसरी तरीका से भी इसको देख सकते हैं।
दूसरी तरीका से क्या देख सकते हैं, मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अब मैं दूसरी तरीका यहाँ पे ये बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इन चीज़ों को ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आठ जो है ना 64 से संबंधित है। तो कैसे है, तो आठ का वर्ग करके क्या लिखा गया है, 64 लिखा गया। क्या लिखा गया, तो आठ का वर्ग करके 64 लिखा गया। तो उसी प्रकार से जो 289 है या किसका वर्ग है दोस्तों, या किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। आप इसी तरह से बोल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों लॉजिक सेम है, दोनों चीज़ें करेंगे आंसर आपको सेम ही आएगा। कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न वहाँ रखाता है क्या, कहता है कि स्टार को लिखा जा रहा है 19, 20, 11, 8, ठीक है। मार्स को लिखा जा रहा है 13, 11, 8, 19, तो पार को क्या लिखा जाएगा। अब समझिए, कहता है कि स्टार इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, तो 19 लिख रहा है, 20 लिख रहा है, 1 लिख रहा है और 18 लिख रहा है। अब देखिए क्या है कि कुछ नहीं है सभी का, देखिए जो अल्फाबेट में स्थानीय मान होता है, एस कितने पे, तो 19 पे होता है। देखिए टी कितने पे होता है, 20 पे। ए कितने पे, देखिए 1 पे, 1 लिखा। आर कितने पे होता है, 18 पे, 18। मतलब क्या कि सभी का स्थानीय मान लिख दिया। यहाँ पे देखिए सभी का स्थानीय मान एम 13 है, एम 13। देखिए ए 1 है, ए 1। आर देखिए 18 और एस 19, सभी का स्थानीय मान है। तो वही काम दोस्तों हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, पार का भी जो होगा इसके प्रत्येक लेटर का जो स्थानीय मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पी कितना दोस्तों हमारा 16 होता है, ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, और के कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 16, 11, 8, 11, ठीक है, 16, 11, 8, 11। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर कौन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 16, 11, 8, 11 कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि यहाँ पे चार, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। कहता है कि इन चार ऑप्शन में कोई एक हमारा क्या है सबसे भिन्न है, अलग है, और तीन हमारा क्या है सेम है। अब देखिए मंदिर है, प्रार्थना है, मस्जिद है और गिरजाघर है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए जो मंदिर है, मंदिर भी हमारा क्या है, हमारा क्या है कि मंदिर है। तो मंदिर हमारा क्या है, पूजा स्थल है। मंदिर जो हमारा है क्या है, पूजा स्थल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद भी हमारा क्या है, पूजा स्थल। यहाँ पे मुस्लिम के द्वारा पूजा किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा गिरजाघर है, ये भी हमारा क्या है, पूजा स्थल है, ये भी हमारा क्या है, पूजा स्थल है। बट जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्या हम लोग पूजा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है। या किसी के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। बट ये पूजा घर तो नहीं है, नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या है, पूजा या भगवान का स्थान है। मस्जिद भी क्या है, भगवान का स्थान है। गिरजाघर भी क्या है, भगवान का स्थान। बट प्रार्थना कोई भगवान का नहीं, हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, पूजते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। बट ये एक स्थान नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा सबसे अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रार्थना। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहते यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन में से कोई तीन सेम है और एक हमारा क्या है कि सबसे अलग है, ठीक है। अब देखिए सबसे ऑप्शन ए कहता है कलम जो है लेखन सामग्री, ये तो सही बात है। कलम हमारा क्या है कि लेखन सामग्री है, कलम से लिखने का काम किया जाता है। तो क्या है कि एक दूसरे का क्या है कि भाग है, पहला जो भाग है दूसरे का है एक भाग है। मतलब क्या, कलम से लिखा जाता है, ये सही बात है कि कलम लेखन सामग्री है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा इसको छोड़िए, आगे चलिए। कहता है क्या कि सूर्य तारा, तो दोस्तों सूर्य एक प्रकार का तारा भी है, सही बात है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। अब देखिए चित्रकार क्या कलाकार, तो दोस्तों जो चित्रकार है तो वो भी कलाकार कहलाता है। मतलब क्या, जो देखिए कलम लेखन सामग्री है, सही बात है, सूर्य तारा है, सही बात है, चित्रकार कलाकार है, सही बात है। क्या पृथ्वी चंद्रमा है, नहीं है। मतलब क्या कि जो इसका पहला पद है, दूसरे पद के भाग, कोई भी भाग या कोई भी संबंध इसके बीच नहीं बन रहा है, ठीक है, या एक दूसरे का भाग नहीं है। बट बाकी का जो तीन है, ये क्या है, एक दूसरे का भाग है, एक दूसरे का क्या है कि भाग है। अब देखिए चित्रकार भी कलाकार कहलाता है, सही बात है, सूर्य तारा है, सही बात है, कलम लेखन सामग्री है, सत्य बात है, बट पृथ्वी चंद्रमा है, ये सही बात है, नहीं है। इसीलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक, लॉजिक क्या है कि तीनों चीजें क्या है कि जो पहला भाग है, जो प्रथम भाग है, कलम लेखन सामग्री है, हाँ इसका एक भाग है, सूर्य तारा है, हाँ तारा का एक भाग कौन है, सूर्य है, कलाकार चित्रकार भी क्या है, कलाकार का एक भाग है कि नहीं, चित्रकार भी कलाकार है, जो पेंटिंग करता है वो भी कलाकार है,
जो मूर्ति बनाता है वो भी कलाकार है। तो सभी क्या है, कलाकार है, लेकिन चित्रकार भी तो एक कला है, मतलब कि कला का एक भाग भी चित्रकार है। जो तारा है, तारा का एक भाग तो एक सूर्य है। लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री एक कलम भी आता है, पेंसिल भी आता है, बहुत सारी लेखन की सामग्री, मार्कर आता है, बट कलम भी तो एक लेखक सामग्री है। मतलब क्या कि जो पहला भाग है वो दूसरा का एक अंश है, पहला जो पद है वो दूसरी पद का क्या है, हमारा एक अंश है, बट पृथ्वी क्या चंद्रमा का अंश है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई एक भी नहीं, देखिए 48 है, 94 है, 59 है और 12। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ये हमारा है सम संख्या, ये हमारा क्या है सम है, ये भी देखिए सम है और ये भी हमारा क्या है सम है, बट ये हमारा क्या है दोस्तों की विषम है, ये हमारा क्या है विषम, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम। समझ में आ गया? चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न कहता क्या कि यदि एक कूट भाषा में किंडल को ELDNIKE लिखा जाता है तो एक्सटिक को क्या लिखा जाएगा, EXOTIC को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा समझिएगा कैसे लिखा है इसको, बहुत सिंपल सी बात है, KINDLE इसको इसने दोस्तों क्या लिखा है, इसने लिखा है ELDNIKE, इसने कुछ नहीं किया है दोस्तों, इसको क्या किया, इसने पलट को लिख दिया, या पलट को लिखी बोलिए, या इसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब कि अंत वाले को पहले लिखा फिर उससे पहले वाले को उसके बाद लिखा, मतलब उल्टा से लिख दिया। देखिए ई को पहले लिखा है, फिर उसके बाद एल को लिखा है, फिर देखिए डी को लिखा है, फिर देखिए एन को लिखा है, फिर आई को लिखा, फिर के को लिखा, मतलब कि इसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब पीछा से चलना शुरू किया, मतलब कि इधर से चलना शुरू किया है, उल्टा से चलना शुरू किया, और देखिए ई चला है फिर एल, मतलब ऐसे करके इसने लिख दिया। तो वही काम हमको इसमें भी करना होगा, बहुत सिंपल सी बात है, उल्टा हम लोग इसमें भी चल जाएंगे, उल्टा चलेंगे तो पहले कौन लिखा जाएगा हमारा, तो पहले हमारा लिखा जाएगा सी, फिर क्या लिखाएगा आई, फिर क्या लिखाएगा टी, फिर क्या लिखाएगा ओ, फिर लिखाएगा हमारा एक्स, फिर लिखाएगा ई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा CITOXE, ऑप्शन नंबर डी हमारा, क्योंकि सी के बाद आई वाला एक ही ऑप्शन है, देखिए सी के बाद आई वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी संकेतिक भाषा में जापान को 90-15-0-1-3 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कहता है कि जापान है, JAPAN, इसको इसने लिखा है 90-15-0-1-3, ठीक है 90-15-0-1-3 लिखा गया। अब देखिए जे का जो स्थानीय मान कितना होता है 10, अब देखिए उसे एक कम कर सो क्या लिखा है 9 लिखा है। अब देखिए ए का स्थानीय मान कितना होता है 1, ठीक है, अब देखिए इसको क्या क्या, इसको एक कम करके करेगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब सभी में एक एक कम कर रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखिए पी का स्थानीय मान कितना होता है 16 होता है, इसमें एक कम किया देखिए कितना हो गया हमारा 15 हो गया, कोई दिक्कत है। फिर देखिए ए का स्थानीय मान कितना हो गया 1, इसमें देखिए एक कम के क्या होगा 0। अब देखिए एन का कितना हो गया 14, इसमें एक कम के क्या होगा 13, मतलब क्या, जो हमारे पास जापान लिखा गया इसके प्रत्येक लेटर का जो अल्फाबेट में जो स्थानीय मान होता है उसमें एक एक कम करके लिखा गया, वही कम हमको इंडिया में भी करना होगा दोस्तों, तो INDIA तो इंडिया में भी वही काम करना होगा, तो हम लोग वही काम करेंगे, आई कितना 9 होता है एक कम करेंगे 8 लिखेंगे, एन कितना होता है 14 एक कम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 13, डी कितना होता है 4 एक कम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3, आई कितना होता है 9 एक कम करेंगे 8 और एक कितना होता है 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 0, मतलब कि 81-33-80 हो जाएगा, तो 81-33-80 कौन सा ऑप्शन नंबर सी में दिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, कहता है कि यदि वायु को हरा कहा जाता है, कहता है कि यदि वायु को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, ठीक है हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। अब समझिएगा सबसे पहले साफ आकाश क्या होता है, देखिए जो हमारा साफ आकाश होता है सबसे पहले समझिएगा, तो जो साफ आकाश होता है उसका सबसे बात होता है क्या, उसका जो रंग होता है, जो साफ आकाश होती है तो उसका रंग क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला होता है। जो साफ आकाश होता है उसका रंग क्या होता है, नीला होता है, क्या होता है दोस्तों, नीला होता है। और नीला रंग को क्या कहा जा रहा है, तो दोस्तों इसमें देखिए नीले रंग को आकाश कहा जा रहा है, नीले रंग को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है,
इसका मतलब क्या कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग साफ आकाश को क्या रंग देंगे, साफ आकाश का रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा, किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेचुरल जो हमारे साफ आकाश होते हैं उसका रंग क्या होता है, तो नीला होता है, उसका रंग क्या होता है, नीला होता है, अगर उसका रंग नीला होता है, बट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीले को हम आकाश कहते हैं, तो नीले को अगर हम लोग आकाश कहते हैं तो साफ आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें, मैं उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।